भारतीय डाक विभाग द्वारा चंपारण प्रमंडल के लिए निकाले गए ग्रामीण डाक सेवक के वैकेंसी में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जांच के दौरान अधिकारियों के होश उड़ गए। अधिकतर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र एक ही पैटर्न पर है। अधिकतर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जम्मू कश्मीर स्टेट ओपन स्कूल और द वेस्ट बंगाल कौशल ऑफ रविंद्र ओपन स्कूलिंग की है। सभी अभ्यर्थियों के अंक 98% से लेकर 100% तक है। गणित में 100%, हिंदी और SST विज्ञान और अंग्रेजी में 99% अंक। इतने अंक लाने वाले इन अभ्यर्थियों को मैथ का A²-B² का जवाब देना मुश्किल था, तो एक अभ्यर्थी ने न्यूटन का थर्ड लॉ भूल जाने की बात कही। डाक अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष आदित्य ने बताया कि अधिकतर चयनित अभ्यर्थियों के योग्यता को देखते हुए इनके प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत हो रहे हैं। वरीय अधिकारियों से दिशा निर्देश मांगा जा रहा है, साथ ही अविलंब इसकी जांच कराई जाएगी। जिला में ग्रामीण डाक सेवक के 100 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिसमें 98 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अभी जो इन अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लिया गया है, तो शपथ पत्र में नाम और पता आदि लिखने में गड़बड़ी हुई, इसी को लेकर संदेह प्रतीत हो रहा है। इससे पहले भी एक FIR कराया गया और कई प्रमंडलों में FIR कराए गए हैं। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है, फर्जी पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। जी हाँ, जो भी मामले प्रकाश में आए थे उनकी जांच कराई गई है और कुल 25 ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपालों को नौकरी से निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। कारण क्या? जांच में उन सभी के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए थे। विभागीय जांच की प्रक्रिया पूरी कर उन सभी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 25 लोगों को। उन लोगों का सर्टिफिकेट कैसा था सर, कहाँ से निर्गत था, यह सब जांच में कुछ आया? बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से निर्गत था और 4202 कोड उन लोगों का था। 4202 कोड वाले सर्टिफिकेट की जांच कराई गई थी और जांच उपरांत वह फर्जी पाया गया। फिर विभागीय प्रक्रिया को पूरी की गई और उसके बाद उन लोगों को डिसमिस किया गया। वेतन रिकवरी भी उनका ये अभी इस पे निर्देश मांगे जा रहे हैं, ऊपर से निर्देश प्राप्त होने पर फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी जुलाई में जो वैकेंसीज निकले हैं उसके लिए कुछ लड़के अप्लाई किए थे, सिलेक्शन भी हुआ है, लेकिन उनके सर्टिफिकेट्स जो हैं ट्रेंड उनका एक ही है, सर्टिफिकेट्स फेक लग रहे हैं, या तो जम्मू के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, बिहार बोर्ड के एक भी नहीं है। और बात करने में कोई सवाल करने में भी वो लोग हिचक रहे हैं, क्या उसमें क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया सर्टिफिकेट जो है फर्जी लग रहे हैं उनकी योग्यता को देख कर, तो इस पर वरीय अधिकारियों से निर्देश मांगा जा रहा है, साथ ही अविलंब उनकी जाँच भी कराई जाएगी। कितने सीटों पर यहाँ बहाली हुई है सर इस बार जुलाई में? 100 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 98 का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। ये जो सर्टिफिकेट है जम्मू कश्मीर से जो लोग पेश कर रहे हैं, उसके बारे में आपको शक नहीं लगता है? अभी जब उनसे एक घोषणा ली गई, जब उन्होंने अपने घोषणा पत्र पे नाम और पता इत्यादि लिखने में कुछ गड़बड़ी की, तब कुछ संदेह प्रतीत हो रहा है। इससे पहले साल भी एक FIR यहाँ किया गया था, जबकि कई FIR अन्य प्रमंडलों में भी कराए गए। हम लोग इसकी भी जांच कराएंगे और अगर इसे फर्जी पाएगा तो इन पे कार्रवाई की जाएगी, साथ ही FIR भी दर्ज किया जाएगा। मोतिहारी से प्रतीक कुमार सिंह की रिपोर्ट।